एक्स जो है दैट इज रिलेटेड टू वाई सच दैट एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर. हमने इसमें रिफ्लेक्सिव का केस कर लिया था कि जब x रिलेटेड टू y है रिफ्लेक्सिव में हम सेम एलिमेंट लेंगे तो a माइनस a कैंसिल आउट होके रूट टू जो है दैट इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया. सिमेट्रिक हमने इसको शो करना है ये है या नहीं. सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, x को रूट टू ले लेंगे y को वन ले लेंगे, यानी कि हम ऐसा नंबर लेंगे x इसके इक्वल हो जाए ताकि कैंसिलेशन हो जाए, यानी कि x वाले नंबर में रूट टू होना चाहिए और वो रूट टू नेगेटिव होना चाहिए ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए. वॉट एवर वी आर लेफ्ट विद दैट इज एन दैट इज अ रेशनल नंबर. तो लेट मैंने ले लिया x इज इक्वल टू वन एंड y इज इक्वल टू रूट टू, या x को हम रूट टू लेते हैं y को वन लेते हैं, तो दिस विल गिव मी x कॉमा y is related to R. यहाँ पे x को आप root 2 put करोगे, y को 1 put करोगे, तो this is 2 root 2 minus 1, an irrational number. But this does not imply that 1 comma root 2 belongs to R. क्यों? क्योंकि जब आप x को 1 put करोगे, y को minus root 2 put करोगे, तो ये आपका cancel out होके वन आ गया, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर. तो जो रिलेशन है दैट इज नॉट सिमेट्रिक. सेम वे में ट्रांजिटिव का केस लेंगे. हमने अभी किया रूट टू कॉमा वन जो है हमारा ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन. अब हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे वन है यहाँ का लास्ट नंबर, तो दिस शुड बी वन. दूसरा नंबर मैंने रूट टू की फॉर्म में ही लेना है तभी वो कैंसिलेशन होंगी आपकी. ये भी आर को बिलोंग कर रहे हैं बट दिस डज नॉट इम्प्लाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सी कॉमा डी बिलोंग्स टू आर, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर, क्योंकि जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा दैट विल नॉट बी एन इरेशनल नंबर. So, ये आपका हो जाएगा कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव ऑल्सो. सो हमारा जो इसका आंसर आना है दैट इज ऑप्शन ए कि दिस इज जस्ट रिफ्लेक्सिव, नीदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है एंड नॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव भी नहीं है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, consider the non-empty set containing consisting of children in a family and a relation R defined as A is related to B if A is brother of B. A जो है वो related है B के साथ अगर A B का brother है. अब this relation को अगर आप check करो reflexivity के लिए तो this is not reflective because a person cannot be the brother of himself or herself. तो रिलेशन आपका जो है दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सो ए इज नॉट रिलेटेड टू ए, अ पर्सन कैन नॉट बी ब्रदर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिक होगा, A related to B है, यानी कि A is related to B. A B का brother है. अब B can be a girl or a boy. ठीक है ना? B जो है, अगर तो ये दोनों boys हैं, then the एक हम कह सकते हैं कि B is related to A. But यहाँ B के लिए mentioned नहीं है कि whether he is a boy or she is a girl. तो we cannot be sure that B is related to A. This always does not imply that B is related to A. A is brother of B. हाँ जी, हाँ जी. A B का brother हो गया. हाँ, A boy है ना. बच्चे मेरी बात सुनो. A related to B, यानी कि A comma B belongs to R. A is brother of B. ठीक है.
अब ये क्या इंप्लाई कर रहा है सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए बी इज कॉमा ए इज रिलेटेड टू आर, यानी कि ये जो दो पर्सन लिए थे इन्हीं की बात हो रही, इन्हीं के लिए वो कह रहा है कि बी इज ब्रदर ऑफ ए। बट अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बी जो है वो गर्ल है, तो ए जो है बॉय जो है दैट इज द ब्रदर ऑफ गर्ल, दैट वन इज करेक्ट। बट यहाँ के अकॉर्डिंगली क्या बन गया, गर्ल इज ब्रदर ऑफ बॉय, दैट वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमिट्री। अब हम आएंगे थर्ड ऑप्शन ट्रांजिटिव वाले केस पे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर, ए इज ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, इसके साथ सेकंड कंडीशन क्या होती है, ये सेम होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, बी कॉमा सी, यानी कि बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो डस दिस इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यस और नो? अगेन सेम, सी कैन बी अ बॉय और सी कैन बी अ गर्ल। यहाँ पे ए कॉमा बी, बी कॉमा सी से हमें ये पता लग गया कि बी जो है दैट इज अ बॉय, ए जो है दैट इज अ बॉय, बट सी कैन बी अ बॉय और अ गर्ल। तो ये रिलेशन आपका नॉट सिमेट्रिक, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, एंड ट्रांसिटिव भी नहीं है। क्लियर? चले अगले पे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वी हैव डन यस्टरडे। चलिए अब ये क्वेश्चन करेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, रूट थ्री साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स प्लस फोर, दिस इज अ फंक्शन गिवन टू अस। हमें वो क्या कह रहे हैं कि फंक्शन दिस इज वन वन इन द इंटरवल, नीचे हमें ऑप्शंस गिवन है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, देन बी ऑप्शन हमें गिवन है माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, माइनस पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री, एंड ऑप्शन डी जो है दैट इज गिवन बाय माइनस पाई टू पाई। जब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, हमने क्या करना है, इस फंक्शन को टी रेशियोज के टर्म्स में एक सिंगल टर्म बना लो। ठीक है, यहाँ रूट थ्री है, यहाँ वन है, हमने ये प्लस वन में क्वेश्चंस इस तरह के किए हुए हैं। हम क्या करते होते थे, इनकेस जो कॉफिशियंट होते हैं उनके स्क्वायर्स अंडर द रूट से, स्क्वायर्स का सम अंडर द रूट से इन टर्म्स को डिवाइड कर देते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को रीराइट कर लेंगे। अब रूट थ्री का स्क्वायर इज थ्री, वन का स्क्वायर इज वन, थ्री प्लस वन फोर, अंडर द रूट इज टू, यानी कि टू से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये आपने प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री में किया हुआ है कॉन्सेप्ट, जहां पे आप मैक्सिमा या मिनिमा निकालते होते थे। अब रूट थ्री बाय टू, ये साइन के टर्म्स में इसको कॉस वाला एंगल पुट करेंगे, ये कॉस है इसको साइन वाला एंगल पुट कर लो, क्या आएगा, रूट थ्री बाय टू कॉस की टर्म्स में कॉस 30, 1/2 साइन 30, ये प्लस फोर एज इट इज चलेगा। अब ये फॉर्मूला आपका बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला टू एज इट इज लग जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला प्लस फोर एज इट इज। अब उसने हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है कि वी आर टू फाइंड द इंटरवल। अब देखो ये हमारा फंक्शन जो है वन वन होगा नहीं होगा, That depends on this. तो it means जो हमारा 2x minus pi by 6 है, इस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ लाए करती है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, माइनस वन से वन, क्योंकि उसकी रेंज होती है, तो दैट इज फ्रॉम पाई बाय टू टू माइनस पाई बाय टू। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या करेंगे,
पाई बाय सिक्स पहले ऐड करेंगे, हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स लेस देन इक्वल टू, ये टू एक्स रह जाएगा, दिस इज पाई बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स, माइनस पाई बाय टू प्लस पाई बाय सिक्स दैट इज माइनस पाई बाय थ्री, माइनस पाई बाय थ्री, माइनस नाइनटी प्लस थर्टी हो गया ना, माइनस सिक्सटी, दिस इज टू एक्स एंड दिस इज नाइनटी प्लस थर्टी वन ट्वेंटी, यानी कि टू पाई बाय थ्री, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, टू से डिवाइड कर देंगे, सो दिस विल बी माइनस पाई बाय सिक्स लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू पाई बाय थ्री, तीनों को टू से डिवाइड कर दिया तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन, माइनस पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री। Got this question? Clear? Now the next. Next question है हमारा, a relation R is defined from 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 10. By x is related to y. हमें दो सेट्स गिवन है, अब ये कर दो इरेज, रिलेशन R is defined from 2, 3, 4, 5, 2, 3, 6, 7, 10. और रिलेशन कैसे गिवन है, x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, what do you mean by relatively prime, x is relatively prime to y, kya hota hai iska matlab ki ye co primes hain, they are having no common factor other than one, jahan pe bhi relatively prime aa gaya, x is relatively prime to y, matlab x aur y mein one ke alawa aur koi common factor nahi hai, theek hai। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है इसमें, वी आर टू फाइंड द डोमेन ऑफ आर, और ऑप्शंस हमें गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन हमें आर का डोमेन निकालना है, दिस इज 2, 3, 5, देन सेकंड ऑप्शन वी आर हैविंग इज 3, 5, देन दिस इज 2, 3, 4 एंड दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। चलिए डोमेन, रिलेशन क्या बनेगा, एक्स और वाई हम बना रहे हैं, तो पहले टू को ले लो, टू प्राइम है, टू के साथ इसमें से कौन से प्राइम्स आएंगे जो को प्राइम हो, जिनका कॉमन फैक्टर अदर देन वन ना हो, थ्री आ गया टू के साथ, सेवन आ गया, और कोई है, अब इसका नेक्स्ट नंबर इज थ्री, थ्री के साथ सेवन आ गया, ठीक है, थ्री के साथ टेन आ गया, और अब अगला उठाओ फोर, फोर के साथ, फोर के साथ सेवन, अगला उठाओ, तो अब बताओ इसका डोमेन क्या बना, डोमेन मींस कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, सो दैट इज 2, 3, 4, 5, टू भी है यहाँ पे, थ्री भी है, फोर भी है और फाइव भी है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, क्लियर। Now the next question. ये हम कल कर चुके हैं, ओके। लेट एक रिलेशन हमें गिवन है a कॉमा a क्यूब, such that
ए इज अ प्राइम नंबर लेस देन फाइव. ए प्राइम नंबर है लेस देन फाइव. देन द रेंज ऑफ आर इज, रेंज बतानी है हमें. प्रीवियस क्वेश्चन में वी वर टू टेल द डोमेन, नाउ वी आर टू टेल द रेंज. हाँ जी बताओ क्या रिलेशन क्या बनेगा वो बताओ. रिलेशन है ए कॉमा ए क्यू और सेट हमें गिवन है प्राइम नंबर लेस देन फाइव. प्राइम नंबर लेस देन फाइव कौन कौन से हैं? वन प्राइम नंबर है, टू, थ्री. हाँ जी टू का एट और क्यूब क्या होगा यहाँ पे, ये बनेगा टू कॉमा एट और ये क्या बनेगा टू थ्री कॉमा ट्वेंटी सेवन. तो व्हाट विल बी द रेंज, एट कॉमा ट्वेंटी सेवन. क्लियर, पहले रिलेशन बना लो वहां से आप फिर निकाल सकते हो. नेक्स्ट रिलेशन आर इन एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है सच दैट. अब ये डबल वाला है आपका, अभी तक हम सिंगल सिंगल एलिमेंट वाला करते आए थे इस तरीके से, अब डबल एलिमेंट वाला गिवन है हमें. सच दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी. यानी कि दिस फुल विल बी ट्रीटेड एज वन एलिमेंट सच दैट ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी. वी आर टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक. यहाँ ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं. फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है. सेकेंड ऑप्शन reflexive and transitive but not symmetric. third option an equivalence relation. fourth none of these. kya hai पहले इसको चेक करेंगे किसके लिए, वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. अब यहाँ ध्यान देना ये रिलेशन क्या है हमारा, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी. रिफ्लेक्सिव हमने चेक करना है, दिस फुल इज बीइंग ट्रीटेड एज वन एलिमेंट. तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए इज रिलेटेड टू ए. अब क्योंकि यहाँ पे डबल एलिमेंट है तो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी. फुल एलिमेंट आप क्या करोगे यहाँ पे रिपीट कर दोगे. अब a कॉमा b रिलेटेड टू a कॉमा b, ये रिलेशन किस तरीके से गिवन था, फर्स्ट और लास्ट वाले का सम इक्वल टू सेकंड और थर्ड वाले का. a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c गिवन है हमें. तो इट मींस a प्लस d फर्स्ट और फोर्थ वाले को ऐड किया और इक्वल टू पुट किया सेकंड एंड थर्ड का सम. तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ ऐड करोगे तो a प्लस b इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो b प्लस a. एडिशन आपको पता है दैट इज कॉम्यूटेटिव. तो इट मींस दिस रिलेशन इज ट्रू. तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. चेक करते हैं अब हमने चेक करने हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी और इसको क्या इंप्लाई करना चाहिए, दैट सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी. ये अगर इंप्लाई कर रहा है देन हम कहेंगे कि रिजल्ट इज ट्रू. अब a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, व्हाट डज इट मीन, a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस c. ठीक है अब इसको करो, c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a. a प्लस b d प्लस a सेम थिंग है, b प्लस c c प्लस b सेम थिंग है. एडिशन कॉम्यूटेटिव है, अगर a इक्वल टू b है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ b इक्वल टू a आल्सो. तो कॉम्यूटेटिविटी और इक्वल अगर हम इंटरचेंज करते हैं, यानी कि इसको मैं अब लिख लूं यहाँ पे, c प्लस b को मैंने लिख लिया पहले b प्लस c, इसको लिख लिया मैंने a प्लस b. ठीक है
अब बी प्लस सी और ए प्लस डी इनकी पोजीशंस मैंने इंटरचेंज कर दी, तो यही चीज गिवन थी मुझे। सिमेट्रिक है कि नहीं है? है। अब हमने क्या चेक करना है? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। नेक्स्ट जो एलिमेंट हम लेते हैं वो ये वाला एज इट इज आ जाता है, सो सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ठीक है, यानी कि मुझे क्या शो करना है, दैट ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। इट मीन्स मुझे शो करना है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ये मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ये शो कर देती हूँ तो इट मीन्स मेरा ये वाला रिलेशन जो है वो ट्रू है। तो इनको लेके चलना है, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सेकेंड क्या है? सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। अब मुझे किस किस का सम चाहिए? ए और एफ का, और इधर बी और ई का। अगर मैं इसको देखूं, ए और एफ और बी और ई, तो क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। 1 + 2 विल गिव यू ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। नेक्स्ट स्टेप, कैंसिलेशन हो जाएंगी सी और डी की, तो वी आर लेफ्ट विथ ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, यानी कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। सो दिस इज योर रिजल्ट। गॉट दिस? अब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो दिस इज एन इक्वलेंस रिलेशन, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह का एक और करें। ये वाला क्वेश्चन ना आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज में गिवन है, मिसलेनियस वाले भी एक बार ट्राई कर लेना। चलो, अब हमें गिवन है ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू सी बी। अभी यहाँ पे प्लस का साइन था, अब प्लस का साइन हट गया। चलो अब बताओ रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होगा? ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, क्या आएगा? ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये और ये। ए बी इज इक्वल टू बी ए विच इज ट्रू, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक चेक करना है, तो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड दिस शुड इम्प्लाई दैट सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी। अब बताओ ये ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी इज इक्वल टू ए डी, इंटरचेंज कर दी पोजिशन। अब बी सी इक्वल टू ए डी यानी कि सी बी डी ए, इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, तो सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा डी, ये चीज इसको इंप्लाई कर रही है, तो दिस इज सिमिट्री। सेम वे में ट्रांजिटिव जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, वहां पे हमने एडिंग 1 एंड 2 किया था इक्वेशंस को, यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, क्योंकि हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में शुरू करना। ठीक है, हो जाएगा, तो दिस इज अगेन एन इक्वेलेंस रिलेशन। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन एफ
डिफाइन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी टू आर, जीरो से इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव नंबर्स लेके चल रहे हैं हम होल में, पॉजिटिव या आप सिंपली होल नंबर्स भी कह सकते हो, से रियल नंबर्स पे फंक्शन आपका डिफाइन है. And f of x is given by x upon x plus 1. अब हमें बताना है द फंक्शन दिस इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 बट नॉट ऑन टू, ऑन टू बट नॉट 1 1, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू. यानी कि हमें सिर्फ क्या चेक करना है, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है. 1 1 के लिए क्या करेंगे, 1 1 चेक करना है. तो f of x1 is equal to f of x2 लेते हैं, ये लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, bring all the terms to the left hand side, ये और ये cancel out हो गया, what we are left with, यहाँ पे plus है, x1 minus x2 is equal to 0, यानी कि x1 equal to x2, function 1 1 हो गया. अब on 2 के लिए क्या करेंगे, we are to check if the function is on 2 or not. y equal to put करते हैं function को, इसको x की terms में लिखेंगे, so this will become xy plus y equal to x, xy minus x is equal to minus y, यहाँ से आप minus x common ले लोगे अगर, तो this will be 1 minus y equal to minus y, negative sign आप cancel out कर दो, तो x is equal to y upon 1 minus y. अब इसको कहाँ पे put करना है, यहाँ पे पुट करेंगे, क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू वाई आ रहा है, तो फंक्शन क्या ये आपका ऑन टू होगा, अगर हम एज पर दिस देखें तो होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू वाई, तो वी आर टू से दैट फंक्शन जो है वो इसके इक्वल होगा, बट हमारा जो ये है ये इक्वल टू वाई आ गया, ये किसके लिए है, व्हेन एक्स इज फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, ठीक है, लेकिन हमारा जो ये है रेंज है, रेंज वाला जो सेट है, दैट इज ऑल रियल नंबर्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है वो वाई, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे सिर्फ, क्योंकि हम एक्स को पॉजिटिव पुट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स नेगेटिव नहीं पुट कर रहे, तो कैंसिलेशन होके हमारे पास वो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही है, तो इट मीन्स ये जो वाई है ये जीरो टू इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहे, नेगेटिव रियल्स को नहीं बिलोंग कर रहा, यानी कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन मीन्स दैट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, तो 1 1 है बट नॉट ऑन. नाउ द नेक्स्ट, चलो R एंड R डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस नॉट डिसजॉइंट, हमें दो रिलेशंस गिवन है R और R डैश जो सिमेट्रिक है, और डिसजॉइंट नहीं है, यानी कि देयर विल बी वन एलिमेंट विच इज कॉमन टू बोथ. अब इफ आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन सेट ए नॉट डिसजॉइंट, देन व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन आर इंटरसेक्शन आर, जो दोनों डैश रिलेशंस गिवन है इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट है दे आर, दिस इज रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव, फोर्थ नन ऑफ दीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक,
ट्रांजिटिव, नन ऑफ दीज। आर और आर डैश बोथ आर सिमेट्रिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं इनके लिए, ठीक है। और उधर हम क्या कह रहे हैं कि दोनों जो हैं डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि अगर ए कॉमा बी आर को बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा बी जो है वो आर डैश को भी बिलोंग करेगा। अब दोनों में एक एलिमेंट कॉमन हो गया, तो व्हाट कैन यू से अबाउट देयर इंटरसेक्शन, आर इंटरसेक्शन आर डैश के बारे में आप क्या कह सकते हैं? वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, क्वेश्चन दोबारा सुनो। हमें गिवन है इफ आर एंड आर डैश आर सिमेट्रिक रिलेशंस, रिलेशंस हमें गिवन है विच आर सिमेट्रिक, यानी कि दोनों के लिए एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर डैश, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, नॉट डिसजॉइंट, आर और आर डैश डिसजॉइंट नहीं है, या डिसजॉइंट का मतलब कि अगर हम उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो दैट इज नॉट इक्वल टू अ नल सेट, ठीक है। डिसजॉइंट होते हैं तो इंटरसेक्शन इक्वल टू नल सेट होता है, नॉट डिसजॉइंट मतलब इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू नल सेट, नॉन एम्प्टी सेट होगा वो। देन द रिलेशन आर इंटरसेक्शन आर डैश इज, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब उसने हमें क्या कहा है कि आर एंड आर डैश जो है वो सिमेट्रिक है और नॉट डिसजॉइंट है, सिंस आर एंड आर डैश आर नॉट डिसजॉइंट, तो देयर विल बी एट लीस्ट वन ऑर्डर्ड पेयर विच विल बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर डैश। तो अब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर भी है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर डैश भी है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट आर इंटरसेक्शन आर डैश? क्यों बच्चे सेट्स रिलेशंस डिफरेंट हैं, ये एक ही रिलेशन पे नहीं है। हाँ जी, क्यों? ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर माने हैं यहाँ पे, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर डैश को, बट ट्रांजिटिव के केस में मुझे क्या लेना पड़ेगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, C, D belongs to R, तो जरूरी नहीं है C, D उसमें भी होगा, क्योंकि not disjoint से मैंने ये assume कर लिया कि at least one should be there, तो ये one मैंने A, B से denote कर दिया, तो third option क्या रहेगी हमारे पास, symmetric, तो क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी हमें symmetric given है, तो जो इनका ये एलिमेंट है वो हम मान के चलेंगे कि वो symmetric की कंडीशन को satisfy कर रहा है, तो जो इनका इंटरसेक्शन आएगा that will also be symmetric। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर डाउट।